देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर है। सीएम योगी आदित्यनाथ से मिले बीके सदस्य। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के वाराणसी प्रवास के दौरान ब्रह्म कुमारी संस्थान के श्री रामनगर कॉलोनी सेवा केंद्र प्रभारी बीके सरोज ने उनसे मुलाकात की। सीएम योगी ने ब्रह्म कुमारी संस्थान की गतिविधियों के बारे में विस्तार से चर्चा की। ईश्वरीय सेवाओं के परिचर्चा के पश्चात बीके सरोज ने ईश्वरीय सौगात भेंट की तथा माउंट आबू आने का निमंत्रण दिया। इस दौरान बीके चंदा, बीके सूरज, बीके अभिनंदन समेत कई लोग उपस्थित रहे। बनारस में G20 के प्रोग्राम में मुख्यमंत्री आए हुए थे, उसी संदर्भ में हम लोगों को भी मिलना था। जब आज हम लोगों का मुख्यमंत्री जी से मिलना हुआ तो उन्होंने ब्रह्मा कुमारी आश्रम के बारे में पूछा। हमने भी उनको बताया कि ब्रह्मा कुमारी आश्रम बनारस में रजिस्टर्ड सेंटर करीब 10-12 हैं, बाकी के गीता पाठशाला हैं। यहाँ भी माउंट आबू से बहुत सारे लोग गए थे, योग शिविर चल रहा था बनारस का, तो इसको भी उन्होंने सुन करके बहुत खुशी जताई। और हम कार्य व्यवहार के बारे में उन्होंने पूछा कि अगर आप लोगों का कोई कार्य हो तो हमें बता सकते हैं, तो थोड़ी सी उनको जानकारी दिए और माउंट आबू जाने का उनको निमंत्रण दिया। तो उन्होंने भी कहा कि हमारी भी हार्दिक इच्छा है माउंट आबू जाने का, तो मैं समय निकाल करके जरूर माउंट आबू जाने की कोशिश करूँगा। तो ऐसी हमारी उनसे मुलाकात हुई। यूक्रेन के संगम रिट्रीट सेंटर में बीके सदस्यों ने की ज्ञान चर्चा। रशिया और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध को लेकर एक साल से ज्यादा समय हो गया है। जिन स्थानों पर युद्ध चल रहा है वहां पर ब्रह्मा कुमारी संस्थान के सेवा केंद्र भी है। योग साधना और परमात्म छत्र छाया में वे स्व पुरुषार्थ के साथ ईश्वरीय सेवाओं में जुटे हुए हैं। इसी तरह का वीडियो यूक्रेन के भाई बहनों ने भेजा है, जिसमें संगम रिट्रीट सेंटर महानित विलेज में क्यू, ओडेसा, निकोलिव और विनित्सा से कई भाई बहनों ने इकट्ठा होकर ज्ञान चर्चा के साथ ध्यान साधना की। माउंट आबू के राजभवन में राज्यपाल से बीके सदस्यों की मुलाकात। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र से माउंट आबू के राजभवन में ग्लोबल अस्पताल के चिकित्सा निदेशक डॉक्टर प्रताप मिड्ढा, मैनेजर बीके महेंद्र, डॉक्टर रोजा तुम्मा समेत कई लोगों ने मुलाकात कर अस्पताल द्वारा की जा रही सेवाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी। साथ ही आगामी योजनाओं के बारे में भी बताकर ईश्वरीय सौगात भेंट की। इसी तरह ग्लोबल पीस इनिशिएटिव की इंडिया की प्रभारी बीके डॉक्टर बेन्नी तथा बीके राकेश ने भी उनसे मुलाकात कर ईश्वरीय सौगात भेंट की। जयपुर राजा पार्क सेवा केंद्र एवं संस्था के प्रशासनिक प्रभाग द्वारा राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में प्रशासकों के लिए सफल प्रशासन में अपनी शक्तियों को संतुलित करने के विषय पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के शासन सचिव समित शर्मा ने अपने वक्तव्य में कहा कि कोई भी प्रशासक बेस्ट तभी हो सकता है जब खुद पर शासन करे। मुख्य वक्ता प्रभाग की अध्यक्षा बीके आशा ने अपनी बौद्धिक शक्तियों का सही इस्तेमाल करने की प्रेरणा दी, तो वही प्रभाग के मुख्यालय संयोजक बीके हरीश, स्थानीय प्रभारी बीके पूनम ने भी अपने विचार रखे। सिमिलरली ऐसा नहीं है कि बैलेंस में हमको इक्वल रखना पड़ेगा, कितना रखना है और कितना नहीं रखना है वो हमारी कला, और वो डिपेंड करती है हमारी अपनी जो प्रैक्टिसेस हैं, डेली प्रैक्टिसेस हैं, एंड जो थिंकिंग है। जब हम स्वयं के ऊपर शासन करने की कला सीख लेते हैं, स्वयं को रूल करने की कला सीख लेते हैं और स्वयं को कंट्रोल में रखने की कला सीख लेते हैं, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन में सफलता के लिए दो पावर की जरूरत होती है, कंट्रोलिंग पावर और रूलिंग पावर। पहले तो ये बात जाननी है मैं कौन, मुझे जुड़ना है, मुझे कनेक्ट होना है। तो मैं एक ऊर्जावान चैतन्य आत्मा हूँ। कार्यक्रम के माध्यम से सभी को परमात्मा का सत्य परिचय दिया गया, साथ ही राजयोग अभ्यास की विधि भी सिखाई गई। सभी को स्वशासन से कुशल प्रशासन के टिप्स दिए गए, साथ ही अतिथियों को ईश्वरी सौगात भेंट की गई। युवा प्रभाग के केंद्रीय युवा एवं खेल मंत्रालय के साथ मिलकर भारत में स्वास्थ्य कल्याण और खेल के लक्ष्य के तहत Y20 कार्यक्रम के अंतर्गत ब्रह्मा कुमारीज द्वारा इंदौर में युवा शांति पदयात्रा का आयोजन किया गया। ज्ञान शिखर ओम शांति भवन से होकर सुंदर प्रेरणादायक स्लोगन्स एवं आध्यात्मिक संगीत के द्वारा शांति के प्रकंपन फैलाए गए।
इसी उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में इंदौर जोन की क्षेत्रीय निदेशिका बीके हेमलता ने कहा कि युवा अपनी शक्ति को शांति के कार्य में लगाए तो हमारा भारत स्वर्णिम भारत विश्व गुरु बन सकता है। सबसे ज्यादा भारत में 65% युवा शक्ति है और उस युवा शक्ति को अगर हम शांति के कार्य में जोड़ें तो हमारा भारत फिर से स्वर्णिम भारत विश्व गुरु बन सकता है। वही अन्य अतिथियों में यातायात विभाग के उप पुलिस आयुक्त मनीष अग्रवाल, भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी युवा मोर्चा मंत्री संदीप दुबे, पूर्व चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर महेश पाटनी, यातायात विभाग TI सुप्रिया चौधरी ने भी अपने विचार रखे। आज अगर हम यहाँ बैठे हैं और कोई बीड़ा उठाया है ब्रह्म कुमारी ने, ईश्वरी विश्वविद्यालय ने, तो बहुत बड़ी बात है। जो काम हमारा है वो काम आप कर रहे हो। यह यात्रा ज्ञान शिखर ओम शांति भवन से प्रारंभ होकर जंजीरवाला चौराहा से होते हुए आई लव इंदौर पलासिया चौराहे पर समाप्त हुई। कार्यक्रम में 350 से अधिक बीके भाई बहनों एवं युवा संगठन के विभिन्न युवाओं ने भाग लिया। कार्यक्रम का संचालन इंदौर जोन में युवा प्रभाग के क्षेत्रीय समन्वयक बीके छाया ने किया। डोंबिवली सेवा केंद्र द्वारा बीके शकु के निर्देशन में यूथ विंग के Y20 प्रकल्प के अंतर्गत फ्लैगशिप इवेंट वॉक फॉर पीस का आयोजन किया गया। रैली की शुरुआत वंदे मातरम स्कूल के प्रेसिडेंट डॉक्टर राजकुमार कोल्हे, जन गण मन विद्यालय की प्रिंसिपल प्रेरणा कोल्हे तथा गामदेवी विद्या मंदिर के शिक्षण महर्षि केशव भोईर इनके हाथों से हरी झंडी दिखाकर किया गया। इस रैली में करीब 100 से ज्यादा विद्यार्थियों ने भाग लिया, जिसमें एम पटेल कॉलेज, NSS की संचालिका करिश्मा पटेल, सेंट मैरी कॉलेज की प्रोफेसर रीता पांडे तथा अन्य कुछ शिक्षक उपस्थित रहे। यह रैली वंदे मातरम कॉलेज से शुरू होकर कोपर रोड, संतोषी माता मंदिर, फिर ब्रह्मा कुमारी के सेवा केंद्र पर सम्पन्न हुई। सेवा केंद्रों पर रैली में शामिल हुए सारे विद्यार्थियों को मेडिटेशन से शांति का अनुभव कराया गया तथा Y20 प्रकल्प का उद्देश्य, विषय और उसके महत्व से अवगत कराया गया। पुणे के मुकुंद नगर सेवा केंद्र द्वारा सूर्यदत्त ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट में सेशन का आयोजन किया गया। हाउ टू बी सक्सेसफुल इन कॉर्पोरेट वर्ल्ड विषय के तहत सभा को संबोधित करने के लिए मुख्यालय से मोटिवेशनल स्पीकर बीके शक्तिराज को विशेष आमंत्रित किया गया। बीके शक्तिराज ने अलग अलग गतिविधियों के माध्यम से विद्यार्थियों एवं शिक्षकों को मार्गदर्शित किया। अवसर पर सूर्यदत्त ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट द्वारा बीके शक्तिराज और मुकुंद नगर सेवा केंद्र प्रभारी बीके सरिता को सूर्यभूषण राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में सूर्यदत्त एजुकेशन फाउंडेशन के प्रेसिडेंट डॉक्टर संजय चौड़िया, वाइस प्रेसिडेंट सुषमा चौड़िया समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। आयोजन में 12वीं कक्षा के उत्तीर्ण विद्यार्थियों को सम्मानित भी किया गया। नगर निगम ग्रेटर जयपुर की महापौर डॉक्टर सोमिया गुज्जर की पहल पर आयोजित योग महोत्सव 2023 के तहत वैशाली नगर स्थित नर्सरी पार्क में भी योग शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर ब्रह्मा कुमारीज को भी विशेष आमंत्रित किया गया। राजयोग शिक्षिका बीके अनामिका ने अवसर पर सभी को राजयोग ध्यान करवाया तो वही होलिस्टिक योगा थेरेपिस्ट पूर्वी विजय वर्गीय ने नियमित साधकों के अतिरिक्त सैकड़ों योग प्रेमियों को सामूहिक योगाभ्यास एवं प्राणायाम का अभ्यास कराया। इस कार्यक्रम में 200 से अधिक छात्राएं सम्मिलित हुई। आयोजन में अलग अलग योग संस्थाओं से लोग उपस्थित रहे। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज़।